हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ऑफिशियल एंड यस आई एम देयर विद यू विद पार्ट टू ऑफ बीएससी यूनिट नंबर 3। सो आई होप आपने पार्ट वन देख लिया होगा। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था। पार्ट टू को थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन यस आई एम फाइनली देयर विद यू। एंड जो कि पार्ट वन में हमने देखा, हमने सारे के सारे कन्वर्जन्स देखे, तो अब पार्ट टू के अंदर जो है हम थोड़ा सा जो दूसरा पार्ट है हमारे यूनिट का ना, वो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अपना चैनल दिखा रही थी। तो जैसे कि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। हाँ, मैथ्स 2 ही नहीं है, क्योंकि मतलब उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर ये सब सब्जेक्ट्स हो गए तो वी विल डू दैट आल्सो। तो आपके जैसे रिक्वायरमेंट होगी, मैं वैसे सब्जेक्ट्स पर वर्क करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट आप देखोगे तो हाफ ऑफ द प्लेलिस्ट इसके अंदर कंप्लीटेड है। SME कंप्लीटेड है, BEE कंप्लीटेड है, फिजिक्स, मैथ्स 1 एंड PPS, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ठीक है, देन यहाँ पर जो है BEE आपने जैसे यूनिट 3 पार्ट 1 पढ़ लिया होगा तो वो है। ठीक है, एंड जो यूनिट 4 है उसका मैंने वन शॉट ले लिया था, तो बहुत इजीली मैंने वो चैप्टर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जाके BEE की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो इसमें जाके कर सकते हो। एंड केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर इन सारी प्लेलिस्ट के साथ इसको भी आप कंप्लीटेड ही समझो, क्योंकि हाँ, समझना क्या, कंप्लीटेड ही है। सारे के सारे यूनिट्स अवेलेबल है। 2 यूनिट्स मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करे हुए हैं, अदरवाइज सब वन शॉट में है। ठीक है, एंड यहाँ पर ग्राफिक्स की भी 3 वीडियोज अपलोडेड है। तो आई वर्किंग ऑन एवरीथिंग, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करे रखो, आपको हर चीज इधर मिलेगी। ठीक है, एंडसेम रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऑल्सो वन थिंग, अगर आपको सारे PDFs चाहिए, सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मेंबरशिप ले सकते हो, वहां पर आपको सारे PDFs की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, बहुत इजीली। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, और मैंने पार्ट 1 में भी आपको बता दिया था कि कन्वर्जन्स है, कन्वर्जन्स के बाद जो है ना लॉजिक गेट्स का काम है। तो अब जो है हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। बिलीव मी, बहुत इजी है सब कुछ इसके अंदर, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़े हुए हैं लॉजिक गेट्स, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट वगैरह, तो वो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एंड बिलीव मी, ये वाला क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है कि कौन से बेसिक गेट्स, कौन से यूनिवर्सल गेट्स एंड कौन से स्पेशल गेट्स हैं, जस्ट गिव देयर नेम्स एंड गिव देयर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ईजी जाने वाला है आपको ये वाला यूनिट भी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ईजी जो यूनिट आप समझोगे ना, वो सबसे पहले तो आप 4th समझना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, जिन्होंने भी वन शॉट देखा होगा मेरा BEE यूनिट 4 का, उन्हें पता होगा कि उसके अंदर सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, वो सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर कुल मतलब टोटल 6 ही टॉपिक्स हैं। एंड आपको अगर क्वेश्चन आने वाला है तो आपको 3 क्वेश्चन ऊपर एंड 3 क्वेश्चन और में आते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6 क्वेश्चंस हो गए। तो मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो एक्सपेक्टेड होते हैं। उनमें भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो जिन्होंने नहीं देखी, या फिर यूनिट 3 करके जो यूनिट 4 पर जाएंगे, वो लोग इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कन्वर्जन्स करा दिए, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी आई होप। ठीक है, अब जो है हम लॉजिक गेट्स के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट जस्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वाई इज इक्वल टू ए बार। तो यहाँ पर देखो, ये होता है सिंबल हमारे नॉट गेट का। एंड गेट में हम क्या देते हैं, ए डॉट बी। ठीक है, ये होता है किसके लिए, एंड गेट के लिए। एंड इसका सिंबल कैसा होता है, एंड गेट का कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये सब पता ही होगा। और गेट में हम क्या एक्सप्रेशन देते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। दो इनपुट है ऑफ कोर्स, a और b है ना, तो a प्लस b करेंगे तो हमें जो है और का इनपुट आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक गेट्स, कौन से, नॉट, एंड और। ठीक है, अब जो है नैंड और नॉर, ये क्या है, यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड होता है, वो भी हम देखेंगे। आगे है वो नैंड एंड नॉर रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 100% की यूनिवर्सल गेट्स जो है वो आपके नैंड एंड नॉर गेट हैं। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स एंड का जो एक्सप्रेशन है वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, उसी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्सप्रेशन होगा नैंड का। ठीक है, एंड सिमिलरली नॉर के लिए और का जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, उसी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए प्लस बी बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर के लिए। एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे एंड था, बस उसके आगे एक बबल दे देते हैं। ठीक है, इसके वजह से हमें समझ में आता है ये क्या है, नैंड है। एंड नॉर के लिए हम क्या यूज करते हैं, और ही यूज करते हैं, जस्ट उसके आगे हम बबल दे देते हैं।
हैं, दैट मीन्स वो नॉर बन जाता है, ठीक है। तो बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट्स आपको क्लियर होंगे। इसके बाद देख लो एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो ये है स्पेशल गेट्स, ओके। तो एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट को हम स्पेशल गेट्स बोलते हैं। यहाँ पर इनका एक्सप्रेशन क्या है, वाई ए, एंड इसको देखो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्लस एंड उसके ऊपर ऐसे सर्कल, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली लिख कैसे सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, ओके। तो ये होता है एक्स और के लिए एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। एंड इसको जो है हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रखो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक्स नॉर, ठीक है। तो एक्स नॉर के अंदर क्या करते हैं, हम एक्स और का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका कॉम्प्लीमेंट था उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, लाइक ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। यानी कि एक जगह आपको नॉर्मल रखना है, एक जगह सारे कॉम्प्लीमेंट्स को एड ऑन कर देना है। सो आई होप समझ में आ गया होगा एक्स और एक्स नॉर का, ठीक है। तो ये है सारे हमारे बेसिक गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट्स, जिनके ऊपर अभी हमें पूरा अपना हाफ यूनिट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको 5 और 6 मार्क्स चाहिए अब कंप्लीट अपने यूनिट 3 के अंदर, तो ये है सामने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक डी मॉर्गन्स थ्योरम। 101% क्वेश्चन आने वाला है, एंड बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल है। होने के बाद आप बोलोगे कि कितना सिंपल था, एंड जस्ट आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से फोकस करिए, एंड यस चलिए स्टार्ट करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम के अंदर हमें 2 थ्योरम्स जो है ना प्रूव करनी है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, ठीक है। तो पहले एक समझ लो, दूसरी आपको खुद आ जाएगी। क्या है देखो, थ्योरम 1, इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स कौन से, ए और बी, उनका प्रोडक्ट है एंड उनका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल। देखो, सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स का क्या किया है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लेकर उनका सम किया है, ठीक है। ए प्लस बी टोटल बार नहीं दिया है हमने, इंडिविजुअल जो है कॉम्प्लीमेंट लिया है, समझ में आया। तो ए डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, उसी को हमने वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वही है आपका थ्योरम 1 का स्टेटमेंट, ओके। तो इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अगर आपको ये याद रखना है तो ये ट्रिक है यहाँ पर, क्या है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर जो लाइन है, देखो ए बी दोनों पर है ना लाइन, आपको ये लाइन को ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रेक हो गई वो लाइन, एंड चेंज द साइन, यानी कि यहाँ पर डॉट है, यानी कि आप समझ लो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको एडिशन कर देना है, ठीक है। एंड यही दो साइन को आपको वर्क करना होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ट्रिक भी मैंने आपको दे दी। सो देखो, बिलीव मी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप PYQs उठा के देख लो, ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा। और क्या करना है हमें, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये ही स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले देखो ए बी, ठीक है, इनके लिए कॉलम बना लेंगे, फिर ए डॉट बी के लिए कॉलम बना लेंगे, एंड देन उसके बार के लिए। तो ये वाला कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए बार है, फिर यहाँ पर देखो ये बी बार है, एंड यहाँ पर ए बार प्लस बी बार कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि थ्योरम वन जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर ए को हम क्या लिखेंगे, हमें ऐसे ही हमेशा सीक्वेंस फॉलो करनी है, 0 0 1 1, यहाँ पर 0 1 0 1, ठीक है, आप ऐसे सीक्वेंस फॉलो करो, इजी जाएगा। एंड जैसे कि ये डॉट है, डॉट का मतलब एंड है ना, तो एंड में हम क्या प्रोसीजर करते हैं, मतलब अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो इसका देखो क्या है, ए डॉट बी है, ठीक है। देखो ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, एंड अगर आपको पहले से पता हो तो वेल एंड गुड, हमने 11 12th में ये सब करा हुआ है, एंड और से हम बहुत खेले हुए हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × anything 0 होता है, ठीक है। एंड 1 × 1 को आपको 1 ही लिख देना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको एंड का ऑपरेशन तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0,
ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो फर्स्ट कॉलम हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमें ए और बी का जो है कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट बहुत सिंपल है, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, ठीक है। वैसे ही बी के भी हमने कॉम्प्लीमेंट्स ले लिए, सिंपली हमें 1 को 0 से रिप्लेस करना था, 0 को 1 से रिप्लेस करना था। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि और गेट लगाना है, ठीक है। तो और गेट में यहाँ पर क्या होता है, हमें हमने कैसे याद रखा था, और गेट में एडिशन करना है ना, जो सिंबल है वही याद रखो। तो 1+1 जो है 2 होता है, लेकिन आपको 1 ही लिखना होगा, यहाँ पर एक्सेप्शन था। 1+0 1 होगा, ठीक है, 0+1 1 होगा, 0+0 0 होगा। तो अब आप देख सकते हो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ठीक है, 1 1 1 0, यानी कि आपका जो थ्योरम 1 है वो हमने प्रूफ भी कर दिया है ना। कुछ ज्यादा मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, जस्ट एक थ्योरम आपको समझनी थी, एक एक्सप्रेशन समझना था एंड उसको प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने लिख दिया कि यस दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाओगे, देखो अगर आपको लॉजिक गेट के फॉर्मेट में इसको बना के दिखाना है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ए डॉट बी, यानी कि एंड गेट है, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है, नैंड गेट है, ठीक है। तो हमने पहले नैंड गेट बना दिया, ए और बी क्या है, उसके इनपुट है, उसके बाद इक्वल करके। अब ये कैसे हम बनाएंगे, देखो तो ए प्लस है ना, इसका मतलब क्या है, ये और गेट होगा, ठीक है। अब ये याद रखो कि ये पूरा कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नॉर गेट नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यहां से ही आपको जो है ना कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। यहां पर ही आपको बबल शो करने हैं इनपुट के अंदर, ठीक है, एंड यहां पर आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा। तो और गेट के हमें जो हम जो इनपुट दे रहे हैं ना, हमें इनपुट लेते टाइम ही उसको जो है कॉम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये नैंड गेट है एंड यहाँ पर इसको बबल्ड और गेट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी थ्योरम 1 जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमें। अब जो है हम थ्योरम 2 के तरफ जाते हैं, ठीक है। सो थ्योरम 2 एकदम मतलब उसी के अपोजिट है एंड वही चीजें आपको करनी है, बिल्कुल भी अलग कुछ करना नहीं है। तो देखो थ्योरम 2 में आप क्या लिखोगे, देखो आपने जैसे वहां किया, यानी कि थ्योरम 1 में क्या किया, देखो आपने ये देखो इधर ए डॉट बी लिया एंड यहाँ पर ए बार प्लस बी बार किया। अब क्या करोगे, आप इसी का पूरा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर लोगे, ए प्लस बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट लोगे एंड यहाँ पर ए बार डॉट बी बार करोगे, ठीक है। आई होप आपको जो चेंज है वो समझ में आ गई होगी, है ना। एंड बस आपने एक्सप्रेशन लिख लिया, तो अब आप उसको मतलब स्टेटमेंट में लिख दो, कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं है। कैसे लिखोगे, इट स्टेट्स दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स, है ना। बस अब इसका हमें क्या देखना है, एक्सप्रेशन देख के हमें उसका लॉजिक डायग्राम बना देना है। कैसे बनाओगे, ए प्लस बी बार है यानी कि नॉर है बेसिकली, तो नॉर गेट बना दिया एंड ए बार डॉट बी बार यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर एंड गेट बना देना है एंड उनको जो आप इनपुट दोगे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में दोगे। आपको आउटपुट कॉम्प्लीमेंट में नहीं, आपको इनपुट कॉम्प्लीमेंट में देना होगा बिकॉज यहाँ पर इंडिविजुअली बार गिवन है, कॉम्प्लीमेंट गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या मिला, नॉर गेट एंड बबल्ड एंड गेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस यही ऐसे प्रूफ कर देना है जैसे मैंने बताया, पहले ए बी फिर आप ए प्लस बी करोगे एंड ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक क्लियर हो गई एंड देन ए बार एंड बी बार लेना है एंड ए बार डॉट बी बार कर देना है, तो ये वाली साइड एंड ये वाली साइड आपकी मैच हो गई। इसका मतलब आपकी थ्योरम 2 भी प्रूफ हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। डी मॉर्गन थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम एंड जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि यूनिवर्सल गेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, तो ज्यादातर आपको क्या पूछा जाएगा, देखो व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। देखो यहां पर लिखा है व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट एंड पहले तो वो आपको बोलेंगे व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स, ओके। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। तो यूनिवर्सल गेट्स तो हमें पता है नैंड एंड नॉर होते हैं, ठीक है, इनको हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। तो क्यों बोला जाता है, बिकॉज सी एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट्स, यानी कि हम कोई भी लॉजिक फंक्शन जो है ना मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी लॉजिक क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम मतलब किसका यूज करके, नैंड एंड नॉर गेट्स का यूज करके, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नैंड एंड नॉर गेट। सो ये बस दो questions मतलब theoretical है जो कि important है, ठीक है। उसके बाद देख लो हमें क्या बोला जाता है कि जैसे हमने बोला
कि हम कोई भी लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग NAND एंड NOR गेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि NOT गेट कैसे बनाए, ऐसा क्वेश्चन हमें आ सकता है कि NOT गेट बाय यूजिंग NAND एंड NOR गेट कैसे बनाए एंड AND गेट कैसे बनाए और गेट कैसे बनाए, क्योंकि हमने बोल दिया ना कि हम कोई भी लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब देखो, अब ये हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको NOT गेट बनाना है बाय यूजिंग NAND एंड NOR गेट, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पर है NAND, ओके NAND से हम NOT कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो है, ये देखो ये दो इनपुट्स हैं, ठीक है, तो दोनों भी इनपुट्स को हमने सेम रखा है, इसीलिए हम क्या बना के यहाँ पर बॉक्स बना के सेम A दिखा सकते हैं। वैसे हैं तो दो इनपुट, ठीक है दो इनपुट, लेकिन हम उसको एक सिंगल दिखा सकते हैं, ओके। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम NAND कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ पर इनपुट कैसे दिखा रहे हैं, अदरवाइज NAND तो यहाँ पर है, ठीक है, वो उसका उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट इनपुट में आप ऐसे दिखा सकते हो। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ से अगर हम A दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर A बार मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। NAND के अंदर हमें यहाँ पर A बार मिलेगा, कैसे मिलने वाला है, तो Y is equal to expression क्या होता है हमारे NAND का, तो A bar dot B bar होता है, लेकिन हमने A bar मतलब दोनों भी input में A ही दिया है ना, तो A bar dot A bar हो जाएगा उसका complement, तो dot में हमें क्या मिल जाएगा, AND जैसे हमने उसकी property देखी है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा A bar, okay? So यानी कि A का हमें A bar मिल गया, यानी कि हमने NOT gate जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है ना, किसके यूज से, NAND के यूज से। अब नीचे वाला देखो, हम NOR से कैसे बना रहे हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपने NAND किया ना, वैसे यहाँ पर आपको NOR बना देना है, एंड सेम यहाँ पर डबल इनपुट है, लेकिन सेम चीज का है A का, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको Y इक्वल टू A बार ही मिलेगा, ठीक है। तो ये NAND एंड NOR से हमने जो है NOT गेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं AND गेट, देखो बहुत सिंपल है, जस्ट मतलब फोकस करो, एंड इसी का उल्टा आपको OR गेट के अंदर करना है, तो ये समझ लोगे तो OR गेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो AND गेट के लिए हमारे पास सिंबल क्या होता है, देखो दो इनपुट्स होते हैं A और B, और Y एक आउटपुट होता है, ये बेसिक हमारे AND का स्ट्रक्चर है। तो हम NAND यूज करके AND कैसे बना सकते हैं, देखो तो हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर NAND गेट लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम NAND यूज कर रहे हैं तो हमको सिर्फ NAND का ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये याद रखो कि आपको NAND गेट लगाना है, A B है, ठीक है, यहाँ पर A और B दोनों क्या है, इनपुट्स हैं, एंड आउटपुट्स में आपको क्या मिलेगा, A डॉट B का बार मिलेगा, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पर जो देखा था NAND, ठीक है, यहाँ पर जो NOT आपने देखा था ना, ये ही पूरा उठा के आपको यहाँ पे लगा देना है, समझ में आ गया। कैसे आपको इसको याद करना है, बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं, मैं ऐसे आपको याद कराऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम NAND बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर NAND बनाना है, ठीक है, उसी के बाद आगे उसके कनेक्शन में आपको वो बनाना है जो आपने NOT में बनाया NAND के अंदर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें A डॉट B यानी कि आपको AND गेट मिल जाएगा, बहुत सिंपली, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और कैसे ट्रिक है मैंने वो भी आपको दी हुई है इसको लर्न करने की, ठीक है। चलो अब NOR गेट में आप क्या करोगे, देखो NOR गेट के अंदर हमने ऊपर क्या किया, ये बनाया था, ठीक है, इससे हमने क्या बना दिया, NOT गेट बना दिया था। तो बस आपको अब क्या करना है, ये ही लेना है, लेकिन आपको दो लेने हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो ये ही लेने हैं लेकिन दो लेने हैं, समझ में आ गया। ऐसी ट्रिक से याद करो, कभी नहीं भूलोगे, अदरवाइज ये सारे डायग्राम्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो वही जो हमने ऊपर इधर बनाया था NOR के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू NOT गेट, तो यहाँ पर हमने वो ही दो ले लिए, ठीक है। तो A का कॉम्प्लीमेंट A बार मिल गया, B का कॉम्प्लीमेंट B बार मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम जैसे कि NOR पढ़ रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर NOR बना देना है, ठीक है। यहाँ पर बस ये याद रखो, यहाँ पे पहले बनाना है, यहाँ पे बाद में बनाना है, यहाँ पर दो का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका A बार और B बार इसके इनपुट में जाएंगे, तो आपको पता है NOR का एक्सप्रेशन क्या होता है, NOR का एक्सप्रेशन यानी कि आपको प्लस मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा Y इक्वल टू A डॉट B, यानी कि आप यहाँ पर AND गेट क्रिएट कर पा रहे हो बाय यूजिंग NOR, ठीक है। तो ये वाले कॉम्बिनेशन से आप बाय यूजिंग NAND गेट AND गेट क्रिएट कर सकते हो, एंड यहाँ पर बाय यूजिंग NOR गेट AND गेट क्रिएट कर सकते हो। अब देखो जैसे कि मैंने बोला आपको, अगर AND गेट समझ गया तो आपको और बिल्कुल भी हार्ड नहीं जाने वाला है। तो देखो OR गेट का सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होता है A B और यहाँ पर Y आपका आउटपुट, तो यहाँ पर A प्लस B इसका एक्सप्रेशन हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर जैसे हमने NOR के लिए देखा,
अब आपको क्या करना है, उसके नॉर जो नॉर वाला डायग्राम है वो उसमें एंड के लिए बनाना है, जस्ट आपको नॉर की जगह नैंड लगाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो नैंड का डायग्राम है वो आपको सिर्फ नॉर लगा के नॉर में डाल देना है, यानी कि देखो समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो नैंड का जो डायग्राम है वो सेम, मैं इसकी स्क्रीन शॉट करूँ क्या थोड़ी फिर समझ में आएगा। देखो यहाँ पर देख लो यह क्या है, ये देखो ये एंड इसके ऊपर का, अच्छा वो समझ में नहीं आएगा, ओके ठीक है ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये जो है आपका नॉर है ना, यहाँ पर जो हमने एंड क्रिएट करा है, तो यहाँ पर नॉर लगाया, यहाँ पर नॉर लगाया, यहाँ पर भी नॉर लगाया। अब आपको क्या करना है, और क्रिएट करते हुए जब आप नैंड का डायग्राम बनाओगे तो जस्ट आपको ऊपर का नॉर कॉपी करना है, लेकिन यहाँ पर नैंड गेट्स बना देने, ठीक है, बाकी पूरा डायग्राम सेम है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिख देना है किसका, नैंड का, ठीक है, नैंड का एक्सप्रेशन लिख देना है, लेकिन हाँ और गेट हमारा क्रिएट होगा ए प्लस बी, ठीक है समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर और गेट क्रिएट होगा, ओके, और यहाँ पर देखो नॉर गेट जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार हमें, अब देखो जैसे सेम हमने यहाँ पर किसके लिए किया, नैंड के लिए किया, यहाँ पर किया ना सेम, जस्ट आपको अब उसके नॉर में क्या कर देना है, यहाँ पर नॉर लगा देना है, ठीक है। तो देखो सेम सेम ये वाला स्ट्रक्चर अभी के लिए देखो, एंड उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर देखो जो यहाँ पर नीचे है ये वाला, ठीक है, तो बस सेम है, आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। जिनको भी ट्रिक अच्छी लगी हो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नैंड एंड नॉर वाला सिस्टम हो गया हमारा, सब जो भी यूनिवर्सल गेट्स रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब हमने कवर कर लिए। नॉट गेट बनाने आ सकता है, एंड बनाने आ सकता है, और बनाने आ सकता है, या फिर तीनों भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये सब करना। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे एडर वाले सेक्शन के अंदर, लॉजिक गेट्स देख लिए, अब हम हाफ एडर और फुल एडर बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके प्रैक्टिकल्स हुए होंगे बीएससी के तो आपको पता चला होगा कि आप एडर्स कैसे बनाते हो, ठीक है, हाफ एडर फुल एडर। अगर नहीं हुए हैं तो आप यूट्यूब पर जाके देखो, बहुत लोगों ने डाले हुए हैं, तो मतलब हमें समझ में आता है कि एडर कैसे बनता है, अदरवाइज सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो तो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हाफ एडर कैसे बनाओगे आप देखो। सबसे पहले हाफ एडर क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी कि हमारे इनपुट्स का कॉम्बिनेशन होके हमें जो है आउटपुट मिलने वाला है, ऐसा सर्किट, ठीक है। फिर बाइनरी एडिशन इज परफॉर्म्ड बाय हाफ एडर, बाइनरी एडिशन हमने कन्वर्जन के अंदर देखा था, है ना, बाइनरी का एडिशन हमने देखा था, बस वही होता है हमारे हाफ एडर के अंदर, ठीक है। इट हैज टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हाफ एडर, इसके अंदर दो इनपुट है एंड हमको दो आउटपुट मिलते हैं, जैसे कि हम बाइनरी एडिशन वगैरह सब परफॉर्म कर रहे थे तो हमें हम जो भी नंबर्स एज अ इनपुट ले रहे थे हमें सम भी मिल रहा था, कैरी भी मिल रहे थे, ठीक है ना, तो सम और कैरी ऐसे हमें दो आउटपुट्स मिलेंगे किसके अंदर, हाफ एडर के अंदर, ठीक है। तो आप टेबल देख सकते हो, यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर सम और कैरी है, ठीक है, तो यहाँ पर सम एंड यहाँ पर कैरी आपको कंसिडर करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यही सीक्वेंस फॉलो करो, 0011 0101, ठीक है, तो इनपुट्स में हमने ये ले लिया, तो सम के अंदर क्या होगा, देखो ऑफकोर्स हमें जो एडिशन है, हमने बाइनरी एडिशन वो सीखी हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 00 प्लस होंगे तो आपको 0 मिलेगा, सम और कैरी भी 0 मिलता है, अदरवाइज यहाँ पर 0 प्लस 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ए बार है ना, यहाँ पर 0 जो होगा ना उसका बार हमें लेना है, समझ में आ गया, तो यहाँ पर आप लोगे यहाँ पर a बार और ये है b, समझ में आ गया ये एक्सप्रेशन। अब मैं ये क्यों लिख रही हूँ अब भी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा, एंड बहुत सिंपली इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो है a बार होगा एंड यहाँ पर b होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सम क्या आएगा, 0 प्लस 1 का सम आएगा 1 और कैरी आएगा 0, ठीक है। कैरी किसके अंदर आता है, जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तब जब जाके हमारे पास कैरी आता है, सम 0 हो जाता है ना, जहां पर भी 0 होगा वहां पर कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड जहां पर 1 होगा उसका एज इट इज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये 0 और 1 का सम कैरी, अब 1 और 0 का भी वही सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखो ए है, ठीक है, 1 है तो यहाँ पर हमें ए लेना होगा एंड यहाँ पर 0 है तो हमें बी बार लेना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस 0 तो 1 होता है, सम में 1 आएगा कैरी के अंदर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 इसके अंदर सम आता है 0 और कैरी आता है 1, ठीक है, तो ये हमने बाइनरी एडिशन के अंदर सीख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, जहां पर 0 है वहां पर हमें एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, जहां पर 1 है बस वहीं पर एक्सप्रेशन लिखना है। एंड किसके हेल्प से एक्सप्रेशन लिखोगे आप, इनपुट के हेल्प से एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है। एंड जैसे कि
यहाँ पर कैरी है, ठीक है, कैरी वन है ना, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने कैसे बोला है कि सिंपली जहाँ पर वन है वहां पर एक्सप्रेशन लिखो, जहाँ जीरो है वहां पर कुछ मत लिखो। एंड कैसे लिखोगे? विद हेल्प ऑफ इनपुट्स, ठीक है। जहाँ पर जीरो है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, एंड जहाँ पर वन है वहां पर उसका सेम मतलब एज इट इज वहां पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया, आई होप क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है हमने, है ना, बहुत बहुत सिंपल वे में मैंने आपको हाफ एडर बताया हुआ है इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। नहीं तो आधे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे करना है अगेन आई विल एक्सप्लेन। देखो आपने 0011 0101 क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, सम और कैरी, ठीक है। सम और कैरी हमने एडिशन जो है वो सीखा हुआ है लास्ट लेक्चर में, है ना, कन्वर्जन वाले लेक्चर में। तो जिन्होंने कन्वर्जन्स ऑप्शन में डाले हैं तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। हमें पता है कि एडिशन, या फिर आपने अगर कन्वर्जन्स ऑप्शन में रखा है तो आप जाके एक बार एडिशन, बाइनरी एडिशन वाला पार्ट देख कर आओ, तब आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। 0 प्लस 0 को 0 लिया, 0 प्लस 1 को 1 लिया, 1 प्लस 0 को भी 1 लिया, इधर सब जगह 0 आई हमारी कैरी। अब 1+1 जब हम करेंगे, ठीक है, तो 1+1 जब हम करेंगे तो हमें सम में 0 आएगा एंड कैरी में 1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखो जहां पर भी 1 है वहां पर आप एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आएगा A बार, ठीक है, एंड यहाँ पर 1 है तो डायरेक्टली B आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो डायरेक्टली A आ जाएगा, 0 है तो B बार आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख लिया, याद रखो वही एक्सप्रेशन लिखना है जहाँ पर 1 है, एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों भी 0 नहीं है तो 1 है तो हम क्या लिखेंगे, AB, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका। अब देखो एक्सप्रेशन कैसे यूजफुल होगा हमें यहाँ पर, हमें अब देखो सिर्फ कॉपी करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो एक्सप्रेशन फॉर सम एंड कैरी, यहाँ पर आप सम के अंदर सम का एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, दिस प्लस दिस, ठीक है, a बार b प्लस ए बी बार, ठीक है। तो ये क्या है, ये देख के हमें क्या पता चला, ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्स और का एक्सप्रेशन है, समझ में आ गया। और एक्स और को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए प्लस एंड उसके ऊपर सर्कल ऐसे बना के बी, ठीक है ना। अब कैरी के लिए देखो तो कैरी के लिए तो बहुत सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर ए बी है, ठीक है, जीरो को हमें कंसिडर ही नहीं करना है। तो यहाँ पर ए बी हो गया, एंड ये है ए बी किसका है, ए डॉट बी, एंड के लिए है, भी सिंपल। तो अब हमें पता चल गया कि हाफ एडर के लिए हमें एक्स और गेट लगेगा और एंड गेट लगेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर ये लॉजिक डायग्राम है, यहाँ पर देखो ए और बी आपका इनपुट है, सबसे पहले आपको एक्स और गेट लेना है जिससे हमें सम मिलने वाला है, क्योंकि सम का ही एक्सप्रेशन एक्स और है ना। तो यहाँ पर आपको एक्स और लगाना है जो जिसका सम हमें मिलेगा जिससे, एंड आपको फिर क्या लगाना है, एंड लगाना है, ठीक है, जो कि हमें कैरी देगा, ठीक है। एंड दोनों के इनपुट सेम ही है, ए और बी ही है दोनों के इनपुट, तो यहीं से आपको इनपुट लेना होगा एंड के लिए। बहुत बहुत सिंपल डायग्राम है, देख के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एंड इसको हमेशा ऑप्शन में रखते हैं। आप बिल्कुल ऑप्शन में मत रखना, बहुत ज्यादा ईजी टॉपिक है, ठीक है, एक बार टाइम दे के समझ लो, बहुत ईजी जाएगा ये, ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो गो एंड रिवाइंड द सीरीज, इससे पहले वाला जो पार्ट, सॉरी, वो जो देखा है वो जाके एक बार रिवाइंड कर लो, बहुत सिंपली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक लॉजिक डायग्राम तक आपको हाफ एडर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फुल एडर, ठीक है, फुल एडर। फुल एडर भी क्या है, एक कॉम्बिनेशनल ही सर्किट है, ठीक है। फुल एडर में हमें 3 इनपुट्स होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने 2 इनपुट देखा हाफ एडर में, अब यहाँ पर हमें 3 जो है ना इनपुट होंगे एंड 2 आउटपुट होंगे। 2 आउटपुट कैसे होंगे, यहाँ पर है सम एंड यहाँ पर है कैरी। 3 इनपुट में ए बी और सी इन, यानी कि यहाँ पर ए और बी आपके 2 इनपुट जैसे कि पहले थे, और यहाँ पर सी इन आपको जो है एक्स्ट्रा दे देना है, दैट मीन्स 3 इनपुट। एंड यहाँ पर 2 इनपुट वही होंगे, कौन से, सम और कैरी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया फुल एडर। परफॉर्म्स एडिशन ऑफ 3 बिट्स, ठीक है, तो 3 बिट्स का एक साथ एडिशन कर सकता है हमारा फुल एडर, ओके। तो अब देखो यहाँ पर ट्रूथ टेबल ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत सिंपल है। कैसे करोगे, देखो आप वही ए बी और सी एन, अब देखो यहाँ पर 3 है ना, तो हमारे पास जो है ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था 2n वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमें कैसे लिखना है, 0001111, ठीक है। तो ये वाला जो है हमें ऐसे सिक्वेंस फॉलो कर रही है, यहाँ पर 0011 0011, यहाँ पर 0101 0101, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे 3 इनपुट्स, ठीक है, इसी सिक्वेंस में चलो। अब देखो सम और कैरी, सम और कैरी हमें कैसे मिलेंगे, देखो
वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है. कौन सा वाला? 0+0 0 होगा एंड कैरी भी 0 होगा. 0+1 1 होगा, कैरी 0 होगा. 0 1+0 भी 1 होगा सम, और कैरी 0 होगा. 1+1 का सम 0 होगा, कैरी 1 होगा. 1+1+1 अगर है, अब यहाँ पर जैसे कि 3 है, तो आपका सम भी 1 होगा, कैरी भी 1 होगा. बस और कुछ भी नहीं करना है, एंड जस्ट आपको एक्सप्रेशन लिख देना है. एंड एक्सप्रेशन तो आप बहुत सिंपली लिख ही पाओगे. देखो कैसे लिखोगे आप, देखो यहाँ पर देखो 0 0 0 तीन 0 है, तो यहाँ पर आपको सम और कैरी में 0 मिला. यहाँ पर 0 0 1 यानी कि 1 1 है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सम में 1 मिलेगा, कैरी में 0 मिलेगा. ठीक है. एंड यहाँ पर देखो वही सब चीजें, यहाँ पर एक आध बार 1 है, यहाँ पर देखो 2 बार 1 जहाँ पर है ये और यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर सम 0 होगा, कैरी 1 होगा. ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और कुछ भी अलग नहीं है. बाकी दो 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 यहाँ तक हो जाएंगे, लास्ट में आपको 3 1 मिलेंगे. तो यहाँ पर आप देखो सम भी 1 है और कैरी भी 1 है. ओके, अब एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे आप, देखो यहाँ पर देखो, जैसे अभी मैंने हमने हाफ एडर के लिए किया, 0 और 0 क्या है आपके, 0 एंड 0 है, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा ए बार बी बार. एंड यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सी इन. ठीक है, तो ए बार बी बार सी इन, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन. कहाँ एक्सप्रेशन लिखोगे, जहाँ पर 1 है बस उधर ही और कहीं भी नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है, यहाँ पर भी. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा. देखो यहाँ पर तीनों भी 1 है, तो आपको ए बी सी इन लेना है, यानी कि बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है. ओके, एंड यहाँ पर भी आपको सेम करना है. तो अब आपका जो सम और कैरी के जो एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत ईजिली निकल के आ जाएंगे. तो यहाँ पर देखो सम के लिए एक्सप्रेशन, अब आई होप कि आपको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली करना क्या है. तो यहाँ पर देखो ये चारों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया. ठीक है, सम वाले कॉलम में जो हमें 4 एक्सप्रेशन मिले 1 के, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया. अब देखो बहुत सिंपल है, आपको आप अगर इसी सीक्वेंस में चलोगे ना, तो इतना सिंपल जाएगा ना, बिल्कुल आप 5 मिनट में ये सम करके आओगे. ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे आप. देखो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर देखो, तो ये दोनों के अंदर क्या कॉमन है, ए बार कॉमन है, कॉमन ले लिया. बी बार सी इन प्लस बी सी इन बार. ठीक है, यहाँ पर से इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है. ठीक है, इनमें से ए कॉमन लेके ये लिख दिया. अब ये ही मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था ये किसके एक्सप्रेशन हैं. ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, इसको बी बार को समझो ए है, सी इन को समझो बी है. तो ए बार बी प्लस बी बार बी ए बार, ये किसका एक्सप्रेशन था, एक्स और का एक्सप्रेशन था. और ए बी बार प्लस ए बी या फिर ए बी प्लस ए बी बार, ये किसका एक्सप्रेशन था, एक्स नॉर का एक्सप्रेशन था. समझ में आ गया ना. तो यहाँ पर आपका एक्स और का एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हो, बी प्लस माइन प्लस और यहाँ पर आपका ये बबल. ठीक है, किसका है ये सिंबल, एक्स और का सिंबल है एंड सी इन. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर ऐसे कॉम्पैक्ट कर दिया. एंड ये वाले एक्सप्रेशन को, ये एक्स नॉर का एक्सप्रेशन है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया. अब आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये वाला, ठीक है, इसको आपको x कंसिडर करना है. ठीक है, आप अगर ये पूरे टर्म को, ये वाले सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ये वाले पूरे टर्म को जब आप x कंसिडर कर लोगे, तो आपको क्या मिलेगा. देखो x क्या है आपका, यहाँ पर b क्या है, देखो x को हमने ये कंसिडर किया, तो अब ये वाला जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पर आपको x पुट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर a बार एज इट इज आ गया, ये है आपका x. ठीक है, ये आपका x है प्लस ए, एंड ये क्या हो जाएगा आपका x बार हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा टर्म x ही है लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो x बार. अब यहाँ पर आपको समझ में आता होगा, वापस से आपका जो है x और गेट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, है ना. तो यहाँ पर a प्लस और यहाँ पर आप x और का जो आपका सिंबल है वो लगा के आप x लिख दोगे. ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पर x को आप वापस से रीसब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सम में क्या है, a आपका x और प्लस b, ठीक है, x और c इन. ठीक है, समझ में आ गया, ये है आपके लिए सम का एक्सप्रेशन. आई होप मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. अब कैरी के अंदर देख लो, अब कैरी के अंदर क्या है, ये जो है ये 4, ठीक है, ये चारों को आपको ऐड कर देना है. ठीक है, तो ये चारों को जब आप ऐड करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो वही देखो यहाँ पर अब आपको देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, सी इन कॉमन है. इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ए बी कॉमन है. अब देखो ये ए बार प्लस ए क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 और जैसे समझो a है एंड उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दिया, तो उसका आंसर 1 ही आता है ना. समझो 1 है एंड उसका कॉम्प्लीमेंट 0 है, तो 1+0 क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है. एंड ये ही दो बिट्स पे हम वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पर ए भी बचेगा. एंड यहाँ पर ये किसका एक्सप्रेशन है, अब आप अच्छे से समझ पा रहे होगे, तो ये एक्स और का एक्सप्रेशन है, तो सी इन एक्स और का यहाँ पर ए भी आ जाएगा, ये तो 1 हो गया. तो यहाँ पर आप इसको सिंपली जस्ट मैंने ए भी पहले लिख के इसको ऐसे लिख दिया है, या फिर हम इसको और कैसे लिख
लिख सकते हैं, ये ए बार, ये जो एक सॉर है ना, इसको थोड़ा यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो मत लिखो, इसको कैंसिल कर दो, सिर्फ इतना ही लिखो, ठीक है। सो ये हो गया आपके कैरी का एक्सप्रेशन। अब लॉजिक डायग्राम, ठीक है। तो लॉजिक डायग्राम में हमें क्या समझ में आया, देखो यहाँ पर कितने हैं, ए बी और सी इन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स और गेट्स हैं, ठीक है, एक्स और है, एक्स नॉर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और गेट, ठीक है। यहाँ पर एंड गेट, यहाँ पर एंड गेट, और यहाँ पर ये क्या है, और गेट, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ समझने के लिए है, फॉर योर डायग्राम। मैं कहूंगी आप ये डायग्राम जो है दो तीन बार प्रैक्टिस करके जाओ, बिल्कुल भी वहां पर एक्सप्रेशन से डायग्राम बनाने मत बैठो, 100% आपके गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे कि हमारे पास तीन इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर है एक्स और, तो सबसे पहले एक्स और में हमने जो है दो इनपुट, ऑफकोर्स दो ही जाएंगे, तीन इनपुट का हमारे पास एक्स और नहीं होता है। तो ए और बी आपके जो है इनपुट हो जाएंगे यहाँ पे, एंड इसका आउटपुट जो है नेक्स्ट आपके और एक्स और गेट में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे याद रखो कि ये जो है आपका ये एक हाफ एडर है और ये आपका दूसरा हाफ एडर है, ठीक है। हाफ एडर का आपको डायग्राम एक बार और दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये है हाफ एडर, ठीक है, एक्स और एंड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, वो दोनों को ऐसे ऐड कर देना है, ये एक्स और एंड, ठीक है। ये हाफ एडर हो गया, ये दूसरा हाफ एडर हो गया, जस्ट इसका जो एक आउटपुट है, ठीक है, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, इससे आपको सिर्फ और गेट एक्स्ट्रा जो है ना वो यहाँ पर लगा देना है, एंड ये आपका यहाँ पे कैरी मिलेगा, यहाँ पे सम मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको हाफ एडर फुल एडर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। सो फ्लिप फ्लॉप्स जो है ना स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल डेटा जो है ना स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स का यूज होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा डेटा इसके अंदर स्टोर कैसे करोगे, तो देखो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपको क्लॉक इनपुट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्लॉक इनपुट नहीं दोगे, जब तक आपका फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो फंक्शन पे नहीं आता है, ठीक है। तो जब तक आपको क्लॉक इनपुट जो है वो देना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके इनपुट्स होते हैं एंड आउटपुट में आपको यही दो मिलेंगे, एंड दोनों भी क्यू और क्यू बार, यानी कि दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ऊपर अगर वन मिला है तो नीचे हमेशा जीरो मिलेगा, ऊपर जीरो मिला है तो हमेशा नीचे वन मिलेगा, यानी कि दोनों भी आउटपुट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो क्यू को क्यू एन, ठीक है, फिर नीचे वाला क्यू एन प्लस वन, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। अब जो है फ्लिप फ्लॉप समझने से पहले हमें लैच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैच समझ लिया ना, तो इसके हेल्प से आप सारे डायग्राम्स हर फ्लिप फ्लॉप के बना सकते हो। जैसे कि चार टाइप्स होते हैं हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स के, अभी आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले लैच समझ लो, बहुत सिंपल है। क्या है देखो, बाय यूजिंग नैंड गेट हमें लैच बनानी होती है, ठीक है। तो हमेशा नैंड गेट का यूज ज्यादा होगा हमारे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर। तो ये क्या है, सबसे पहले लैच मैंने जो बोला इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि फ्लिप फ्लॉप का जो आप डायग्राम देखोगे ना, हर देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखो ये है एस आर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम, ये है डी फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम, ठीक है, ये है आपके जे के फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम, एंड दिस इज लास्ट योर टी फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम। अब यहाँ पर से ना मुझे पता है आधे लोग यहीं से छोड़ के भाग जाएंगे, फ्लिप फ्लॉप्स ऑप्शन में डालते हैं, तो मतलब बिल्कुल ऐसे मत करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ, मैं कभी आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करती ही नहीं हूँ, मैं कॉम्प्लीमेंट ही बोल रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट बोल के कॉम्प्लिकेट को भी कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। तो आपको क्या करना है, बेसिकली दो इनपुट लेने हैं, एंड जैसे कि हम एंड के अंदर करते हैं, एंड में क्या है, मैंने आपको क्या ट्रिक दी, एडिशन करना होता है नहीं, आपको एंड के अंदर जो है आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखो, मतलब बिल्कुल भी आपको इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, क्या है सिंबल ए डॉट बी, और नैंड का क्या है ए डॉट बी बार, यानी कि एंड का उल्टा। तो सबसे पहले हम जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जीरो जीरो का जीरो आता है, जीरो वन का जीरो आता है, वन जीरो का जीरो आता है, वन वन का वन आता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट। अब नैंड के लिए आपके देखो कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, तो जीरो जीरो का जीरो नहीं आपका वन आएगा, है ना, किसके लिए, नैंड के लिए, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है ना ये टेबल आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जो है दो इनपुट, तो आप इनपुट को एस बार आर बार ये शो कर सकते हो, और एस डैश आर डैश भी शो कर सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर देना है ये दो नैंड गेट, ठीक है। अब इसका तो एक इनपुट डायरेक्ट जा रहा है, दूसरा जो इनपुट है वो यहाँ पर आउटपुट में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड यहाँ का जो आउटपुट है वो यहाँ पे इनपुट में कनेक्ट हो रहा है, एंड एक इनपुट एज इट इज है, समझ में आया। अगेन आई रिपीट,
यहाँ पर दो इनपुट हैं, तो एक इनपुट तो एज इट इज जा रहा है, दूसरा इनपुट जो है वो क्या है, नीचे वाले NAND का आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ का जो आउटपुट है वो नीचे वाले गेट के लिए इनपुट है। समझ में आ गया ना? तो ये है आपकी लैच। इसका मतलब क्या है, ये याद रखना कि आपका जो NAND का एक्सप्रेशन है, अगर आपके दोनों दोनों जीरो है तो वन, तो एक जीरो एक वन तो वन, एक वन एक जीरो, यानी कि हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक भी जीरो हमें मिल रहा है तो हमें जो आंसर है वो क्या मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा वो वन का मिलेगा। अगर एक भी जीरो है तो आउटपुट वन का मिलेगा। अगर यहाँ पर वन है, मतलब अगर हमें सिर्फ एक पता है कि वो जीरो है, तो हमें पता है कि आउटपुट वन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो जीरो जीरो, यानी कि आपको एस बार और आर बार, यहाँ पर ए और बी समझ लो, इनको जीरो जीरो पुट करना है। तो अगर यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर जैसे कि जीरो है, तो हमें ये वाला जानने की जरूरत ही नहीं है ना। मतलब बेसिकली समझो, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर ये हमने जीरो कंसिडर किया है एंड ये भी जीरो कंसिडर किया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जीरो है, इसका मतलब मुझे ये वाला देखने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर इनपुट क्या है। मैं डायरेक्टली आउटपुट में क्या लिख सकती हूँ, वन, है ना, क्योंकि एक भी जीरो हुआ तो मुझे पता है। एंड यहाँ पर भी जीरो है, तो यहाँ पर जीरो है तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अब यहाँ पर वन है ना, यहाँ पर क्या आया, वन आया ना। देखो यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने इसको इग्नोर किया। यहाँ पर जीरो है तो मैंने डायरेक्टली आगे क्या समझ लिया, वन है। एंड ये वाला वन क्या है, इसका इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर वन है एंड यहाँ पर जीरो है। ठीक है, एक भी जीरो आ गया तो अगेन हमारा जो आउटपुट होगा वो वन होगा। समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपकी लैच के लिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है, तो सिर्फ मैं बोलती हूँ डायग्राम तो याद रखो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग एट द एंड ही देखने वाले हैं इस वीडियो को। आप क्या करो, सिर्फ इसका ऐसे याद रखो कि इसका जो एक इनपुट है वो इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट जो है वो इसका इनपुट है। ठीक है, तो बस ऐसे याद रखो। एंड ये वाला जो टेबल है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा जीरो जीरो जो होगा वो इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा, देखो, क्योंकि हमें समझ में आया कि यहाँ पर भी वन मिल रहा है एंड यहाँ पर भी वन मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वन होना चाहिए एंड इसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, है ना। तो वो जो है इनवैलिड वाला सीन हो जाता है। ठीक है, फिर अगर आप जीरो और वन कंसिडर करोगे तो आपको वन मिलेगा। देखो आप करके देख सकते हो कैसे, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जीरो है, ठीक है, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर आपको वन मिलेगा ऑफ कोर्स, एंड ये वाला वन इधर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें आर से भी हम वन दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों जगह हो गया वन, तो वन वन का हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो यहाँ पर जीरो हो गया एंड यहाँ पर वन एंड यहाँ पर जीरो हो गया, यानी कि ये क्लियर है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो आपका क्यू है वो मेन होता है आपका क्या आंसर, है ना, आउटपुट। ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट ही है ना। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा क्यू, यही आपको यहाँ पर समझना है, दैट इज वन। ठीक है, यहाँ पर वन मिला हमें इसके अंदर, इसके इसके अंदर, तो वो आपको वन समझना है। एंड फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर वन का मतलब है सेट, एंड यहाँ पर आपको वन और जीरो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट। ठीक है, ये वाला भी मैं आपको लास्ट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर वन आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर वन है, तो अब देखो यहाँ पर वन है तो मैं यहाँ पे समझ नहीं सकती कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमें एक जगह जीरो चाहिए, तो हमें समझ सकते हैं कि आगे वन ही होगा। तो नीचे आ जाते हैं ना, नीचे का हमें पता है जीरो है, तो यहाँ पर अगर हमारा जीरो है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वन दे सकते हैं, है ना, यहाँ पे डायरेक्टली वन दे सकते हैं। तो इसी का जो आउटपुट आएगा वही इसका इनपुट होगा, यानी कि इधर भी वन आ जाएगा एंड यहाँ पर ऑलरेडी वन था, है ना, ये वाला वन, तो ये और ये वन और ये वन, यहाँ पर हमें जीरो मिल जाएगा, यानी कि आपका जो मेन आउटपुट है वो आपको जीरो मिल गया। मिल गया ना, सिंपल है। तो जीरो का मतलब हो गया रीसेट, और वन वन में आपको नो चेंज मिलता है। ठीक है, या फिर आप उसको होल्ड कंडीशन भी बोल सकते हो। और क्लॉक इनपुट क्या है, कुछ ऐसा इनपुट होता है जिसमें ऐसे नेगेटिव लेवल, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल, ऐसे आपको समझ में आता है। ठीक है, तो इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखो कि क्लॉक इनपुट हमें देना पड़ता है। अब आ जाओ एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो हमारे पास चार टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप है, एस आर डी जे के और टी। बिलीव मी, एक समझ में आ गया ना आपको, एक तो आप आगे के खुद कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, देखो फ्लिप फ्लॉप्स में एस आर, ठीक है, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर देखो आपके पास सबसे पहले आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा। क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही होगा कि एक्सप्लेन एस आर फ्लिप फ्लॉप बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है।
ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, एस और आर ये आपके इनपुट हैं एंड यहाँ पर ये है क्लॉक इनपुट। हमेशा याद रखो एस आर फ्लिप फ्लॉप है तो सिर्फ उसके अंदर एस और आर ही इनपुट होंगे, डी फ्लिप फ्लॉप है तो उसके अंदर सिर्फ एक डी ही इनपुट होगा, जे के फ्लिप फ्लॉप है तो उसके अंदर जे और के ये ही दो इनपुट होंगे, टी फ्लिप फ्लॉप है तो अगेन एक ही इनपुट होगा, टी इनपुट होगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रखना है। तो यहाँ पर एस आर फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ पर आपको बीच में लिख देना एंड यहाँ पर आपका आउटपुट तो वही मिलता है फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, अब इसके हम इसके ऊपर आ जाते हैं लैच के ऊपर, सॉरी लैच ही बोल रही हूँ, लॉजिकल डायग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो है ये लैच है। ठीक है, तो हमेशा हमें जो लैच का यूज होगा हमारे फ्लिप फ्लॉप के अंदर, तो ये याद रखो ये वाला जो पूरा मतलब कंपोनेंट है ये इतना पूरा डायग्राम के अंदर वो आपका क्या है, लैच है। इसके आगे आपको क्या कर देना है, यहाँ पर नैंड गेट और यहाँ पर नैंड गेट लगा देना है। ठीक है, एंड इनका जो एक इनपुट है वो एस इनपुट, एक इनपुट आर इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही इनपुट है तो बाकी जो दो इनपुट है वो आपको क्लॉक इनपुट से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका डायग्राम। देखो मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, लर्न कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर तो लैच ही है, यहाँ पर नैंड लगा देना है एंड यहाँ पर एस और आर हो जाएंगे एक एक इनपुट, एक दो इनपुट जो बचेंगे वो आपके क्लॉक इनपुट से आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एस आर, यहाँ पर आपको क्यू एन क्या है, यहाँ वाला इनपुट है आउटपुट है आपका एंड क्यू एन प्लस वन आपका ये वाला आउटपुट है। ठीक है, आप अगर क्यू एन प्लस नहीं लिखना चाह रहे हो तो क्यू क्यू बार भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, एस का मतलब होता है सेट और आर का मतलब होता है रीसेट, ये याद रखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही सीक्वेंस आपकी 001 वाली एंड 0101 वाली। ठीक है, इनपुट के लिए हमने ये कंडीशन ले ली एंड क्यू एन के अंदर आपको क्या समझना है, देखो हमेशा हमें पता है या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0101 0101। ठीक है, तो 00 के केस में भी 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, 01 के केस में 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, 10 के केस में भी 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है एंड सेम फॉर दिस। ठीक है, तो जो चेक करना है हमें वो है हमारा क्यू एन प्लस 1 वाला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखो अब आपको किस वे में चलना है, ये वाली। ठीक है, जहाँ पर 0 0 है उसको इनवैलिड समझ लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर जो आपका होगा 0 0 वाला, ठीक है, तो यहाँ पर उसको आपको इनवैलिड इनवैलिड हम 1 1 को बोलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने एंड गेट एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं ना, नैंड गेट लगाए हुए हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर। ठीक है ना, तो उसके वजह से क्या हो रहा है 0 0 और 1 1 का जो फंक्शन है वो थोड़ा चेंज हो जा रहा है। अदरवाइज जहाँ पर 1 होगा वो सेट आपको बोलना है, जहाँ पर 0 होगा वो रीसेट आपको बोलना है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आपको क्या बोलना होगा, यहाँ पर जो है आपको 0 0 0 1 आप जब यहाँ पर देखोगे ना करके, अब देखो ये एक्सप्लेन करना मेरे लिए इजी है तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी एंड हाँ आपको इतना समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगी कि आप याद कर लो। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, देखो जैसे कि यहाँ पर 01 एंड 01 है ना, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर नो चेंज होगा। ठीक है, सेम 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, आपको नो चेंज मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्या होगा। देखो यहाँ पर सिंपली एस और आर में है तो यहाँ पर आपका 0 इनपुट जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से 0 इनपुट जाएगा एंड हमें पता है नैंड के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमें 1 0 है तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा एंड यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से हमने 1 दे दिया एंड यहाँ से भी 1 दे दिया, तो अब हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा, है ना, क्योंकि 0 होता है तो हम आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों भी जगह हमें 1 मिल गया है तो हम आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 0 1 का 0 1 ही मिलेगा बाय नो चेंज। ठीक है, चलो अब रीसेट, रीसेट वाला कैसे आने वाला है, देखो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इसका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा एंड यहाँ पर 1 है, तो अब यहाँ पर हमें नहीं समझ में आएगा आगे क्या होगा, है ना, क्योंकि यहाँ वाला हमें चाहिए होगा, है ना, 0, तो यहाँ पर जो होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 0 है तो उस हिसाब से यहाँ पर आगे 0 आएगा एंड 1 है तो भी 0 आएगा, यानी कि 0 0 वाली कंडीशन आपकी रीसेट होती है। ठीक है, उसके बाद 1 0 वाली जो कंडीशन है, देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका 0 है तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर 1 आ गया तो आगे हम प्रेडिक्ट, तो ये चीज जो है आप
प्लीज याद कर लो, नो चेंज रीसेट, एंड यहाँ पर नीचे वाला सेट और नीचे इसके नीचे वाला वन वन वाला इनवैलिड. ओके, तो प्लीज याद कर लो, बिल्कुल चार वर्ड है, याद करने की जरूरत नहीं है. एंड इन वर्ड्स से ही आप क्या बना सकते हो, टेबल क्लियरली इजीली बना सकते हो. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब है डी फ्लिप फ्लॉप. अब जैसे मैंने बोला, एक समझ लोगे तो दूसरा आ ही जाएगा. तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये पूरा का पूरा आपको नीचे कॉपी करना है. ठीक है, ये वाला. लेकिन हाँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दो इनपुट थे, लेकिन ये डी फ्लिप फ्लॉप है तो सिर्फ एक इनपुट होगा. तो जैसे कि यहाँ पर लैच हो गई, यहाँ पर हमारे नैंड गेट हो गए, यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट आने वाला है. और क्लॉक इनपुट यहाँ पर नहीं दिखाया है, सिर्फ एक ही इनपुट आएगा डी, जो कि एक और नैंड गेट से यहाँ पे कनेक्टेड होगा, याद रखो. ठीक है, तो यहाँ पर नैंड गेट से कनेक्टेड होगा एंड वो यहाँ पर इनपुट में जाएगा. एंड यहाँ पर ये वाला जो इनपुट होगा ना, ये क्लॉक इनपुट होगा. ठीक है, ये वाला जो इनपुट, देखो ये वाला जो इनपुट होगा वो क्लॉक इनपुट होगा. ठीक है, एरो पर ध्यान दो. सो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसको एक हमने जो है इनपुट इसमें कैसे आगे आउटपुट के लिए परफॉर्म किया. देखो यहाँ पर कितने नैंड गेट हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 नैंड गेट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो बस ये याद रखो. यहाँ पर देखो सिंगल इनपुट है, क्लॉक इनपुट होगा तो अगेन हमें दो आउटपुट मिलेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 और 1 ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही इनपुट है, तो वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा वो इनपुट. तो हमें देखो क्यू एन के अंदर जैसे कि हमेशा 0, 1 और 0, 1 ही कंसिडर करना है. क्यू एन प्लस 1 में हमें क्या मिल जाए, स्टार्टिंग वाली में अगर सिर्फ 0 है तो आपको आंसर में भी 0, 0 मिलने वाला है, यानी कि रीसेट हो जाएगा. एंड यहाँ पर 1 है तो आपको 1, 1 मिलेगा, यानी सेट कंडीशन हो जाएगी. ठीक है, थोड़ा सा टाइम देके आप इसमें ध्यान से आप ना समझोगे तो देखो लर्न हो जाएगा. एंड इस चीज को हम एग्जाम में अगर प्रैक्टिकली करने जाएंगे ना, एक्सप्रेशन समझ के ये करके, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है इस चीज में. ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो जे के फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब जे और के ही आपके दो इनपुट हो जाएंगे. एंड यहाँ पर ये जे और यहाँ पर के, ठीक है, वही देखो वही डायग्राम है, कुछ नहीं है ज्यादा, बस थोड़ा सा जो है ना कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं. यहाँ पे देखो लैच वही की वही है, ये दो नैंड गेट वही के वही है, यहाँ पर आपका क्लॉक इनपुट है, यहाँ पर आपका जे के, यानी कि सिंपली सिर्फ अगर मैं ये ऊपर की लाइन और ये वाली लाइन भूल जाऊँ तो ये पूरा का पूरा एस आर फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है पूरा. तो यहाँ पर देखो सिर्फ आपको क्या याद रखना, अब जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप ही बनाना है. उसके बाद यहाँ पर से आपको एक इनपुट निकाल के एक्स्ट्रा यहाँ पर इसके आउटपुट में दे देनी है, नीचे वाले नैंड गेट के आउटपुट में दे देनी है. ठीक है, एंड इसका जो इनपुट आने वाला है वो यहाँ से लेके यहाँ वाले आउटपुट में दे देना है. ठीक है, समझ में आ गया. ऐसे आप इसका डायग्राम बनाओगे एंड इसका ट्रूथ टेबल सेम टू सेम आप कैसा लिखोगे जो आपने एस आर का किया. लेकिन यहाँ पर जो इनवैलिड है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, देखो इसके, देखो यहाँ पर नो चेंज हो गया, रीसेट हो गया, सेट हो गया. इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रॉस क्रॉस करके इनवैलिड नहीं लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर क्या करना है आपको, 0 का 1 होगा 1 का 0 होगा, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, टॉगल हो गया. टॉगल आप समझ सकते हो ना, उल्टा हो गया. ठीक है, तो यही यहाँ पर बस चेंज है जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, बाकी पूरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है ना. कितना सिंपल, आप इसको सिर्फ ट्रिक्स से याद कर सकते हो पूरे फ्लिप फ्लॉप्स को. ठीक है, एंड यस मैं कहूंगी अगर आपको डीपली समझना है, आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट वगैरह हो, आपको अच्छे से समझना है, तो आप और भी वीडियोज जो है ना वो रेफर कर सकते हो. ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, ताकि मतलब सिंपली जो एग्जाम्स में अगर आपने पूरा अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप अब जाके थोड़ा समझ लो उसको. ठीक है, एंड एग्जाम में आप उसको स्कोर कर पाओ. टी फ्लिप फ्लॉप, ये जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है, लास्ट टॉपिक हो जाएगा इस आपके वीडियो का. तो देखो टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ आपका एक इनपुट आएगा एंड क्लॉक इनपुट तो हमेशा होता ही है. अब आपको क्या करना है, देखो आप सेम टू सेम किसका डायग्राम बनाओगे, जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बनाओगे. देख लो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो डायग्राम है ये वाला, वही सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं किया एंड यहाँ पर मैंने बना दिया. अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो मैं इनपुट दे रही हूँ है ना, देखो ये वाला जो है, ये ऐसा वाला जो है, ये क्लॉक इनपुट ही रेफर करता है. अब चाहे आप लिखो या नहीं लिखो, अभी यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे निकालूंगी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा. तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हो ये क्लॉक इनपुट है. अब ये जो दो इनपुट जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इन दोनों को एक कंबाइन करेंगे, यहाँ से ये जो इनपुट है 1 आएगा, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप है. ऑफकोर्स
टी एक ही इनपुट होने वाला है, तो ये जो एक इनपुट है ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो ये दो इसमें डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ गया। एंड बाकी ये पूरा का पूरा जे के फ्लिप फ्लॉप है। एंड यहाँ पर वही चीज होगी जैसे कि हमने वो सिंगल वाला कौन सा था, डी वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ रीसेट देखा था, यहाँ पर सेट देखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर नो चेंज होगा, यानी कि सिंपली डायरेक्टली आपको 01 का 01 ही मिलेगा एंड यहाँ पर टॉगल हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो, ये जो वर्ड्स है ना, बस इतने ही याद रखो। एंड डायग्राम सिर्फ SR का याद रखोगे तो आगे के आपको याद हो जाएंगे, बस देख के जाने की जरूरत है कि कहाँ से क्या जो है कनेक्टेड है, ओके। सो बस हमारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपनी एनर्जी दी है, तो बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, ऑफ कोर्स आपको समझ में आता होगा। तो बस आप क्या करोगे, अब देखो मैंने आपका यूनिट 3 भी कवर कर दिया है BXC का, ठीक है। तो देखो टाइम बहुत है, आपको गैप बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, अब भी जो है वीडियो देख के आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो एंड नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने के लिए मैंने नोट्स तो आपको मेंबरशिप के अंदर दे के ही रखे हैं, तो जिन्होंने नहीं लिए तो प्लीज़ गो एंड टेक दैट गोल्ड मेंबरशिप, ताकि आपको जो है हर नोट्स का एक्सेस मिल पाए, ठीक है। एंड यहाँ पर सारी PDF जो है आपको उधर मिल जाएंगी, देख लेना आप। और हाँ, यहाँ पर ये सारी आपकी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। तो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट आप इस चैनल पर आओ एंड आप प्लेलिस्ट चेक करो, आपको मिल जाएगा। Maths 2 अगर चाहिए तो, अगर टाइम मिला तो आई विल कवर, क्योंकि BXC मुझे पहले कवर करना है, फिर ग्राफिक्स पर भी आई एम वर्किंग एंड मैकेनिक्स भी कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री आपका हो भी जाना चाहिए, आई होप कि आपने केमिस्ट्री कर भी लिया होगा, आधा तो कर ही लिया होगा, है ना। तो धीरे धीरे चलो, केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट है आपका, जिन लोगों का केमिस्ट्री है ज्यादातर 18 को है, तो आप ये रेफर कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ है इसके अंदर, बिल्कुल भी इन वीडियोस के बाहर आपका कोई एक भी टॉपिक नहीं जाएगा, आई गारंटी यू, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सपोर्ट रखना है एंड ये जो सब्सक्राइबर्स है ना, ये नंबर आपको बढ़ाते जाना है यार, ठीक है। तो बस आप क्या करो, स्टडी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस लेक्चर्स शेयर करो, ठीक है। बस PDFs जो लोग मेंबर्स हैं वो PDF शेयर मत करना, अदरवाइज आप लोग ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाओगे, है ना। तो बस ऐसा मत करो, जिनको चाहिए वो ले लो, है ना। ऐसा आप मतलब लीगली चल सकते हैं ना, हम हर काम को गलत करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ले लो जिन लोगों को लेनी है मेंबरशिप, अदरवाइज मैंने बहुत बोल दिया है अब तक। एंड हाँ, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी अगर आज के टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो, आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के डाल दो, मैं आपका रिप्लाई दूंगी। एंड मुझे बताना कि आपको, और देखो अभी 6.1 के हो गए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट ये नंबर बढ़ाते जाओ एंड यस, मैं यही कहूँगी, अच्छे से पढ़ते जाओ, आपके पेपर्स अच्छे से जाएँ, बस यही मेरा होप है, ठीक है। बाकी चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे मतलब जो लोग नहीं है उनको जाके वीडियो शेयर करो, बताओ कि आपके सारा कंटेंट इधर अवेलेबल है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।